Assalamualaikum students, today we are going to start a new chapter which name is National Symbols. National का बेटा मतलब होता है कौमी और symbols का मतलब होता है साइन निशानात. Now come towards the reading of this chapter. Our national symbol, हमारे कौमी निशान. A symbol represent an idea. Symbol जो है वो एक idea को show करता है, ख्याल को show करता है. It gives us an idea to think about something. एक ऐसा idea जिसके ज़रिए हम कुछ सोचते हैं. A national symbol makes us think about Pakistan. हमारे जो कौमी symbol हैं उनके ज़रिए हम पाकिस्तान के बारे में, अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं. Our country, हमारा मुल्क. Our national symbols are special to our country. जो हमारे national symbols हैं वो हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास हैं. National flag, आपको अपना national flag पता है ना, उसका कौन कौन सा कलर होता है, national flag क्यों important होता है, national flag का कलर क्या है. It is green, ये सब्ज रंग का है, and white और सफ़ेद रंग का. It has a crescent and a star on its green part. उसका जो green वाला part होता है उसके ऊपर एक हिलाल है और एक सितारा है. Our national flag is the flag of the whole country. हमारा जो national flag है वो पूरे मुल्क का flag है. It should never touch the ground. और ये कभी ज़मीन को टच नहीं करता. ज़मीन को टच इसलिए नहीं करता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्पेक्टफुल है हमारे लिए, रिस्पेक्टेबल है हमारा फ्लैग हमारे लिए, इसलिए इसको कभी ज़मीन को टच नहीं करना चाहिए. उसके बाद है नेशनल एंथम. द वर्ड ऑफ आवर नेशनल एंथम टेल्स अबाउट द लव. जो हमारा नेशनल एंथम है, कौमी तराना, जो आप हर रोज़ स्कूल में पढ़ते हो, असम्बली में कौमी तराना होता है ना बच्चों, तो जो हमारा कौमी तराना है वो हमारी मोहब्बत को, हमारे लव को शो करता है, जो हमें अपनी कंट्री के लिए है, अपने मुल्क के लिए है. ठीक है, वी सिंग इट टू शो हाउ मच वी लव आवर कंट्री. हम इसको इसलिए गाते हैं ताकि हम ये बता सकें कि हमें अपने मुल्क पाकिस्तान से कितना ज़्यादा प्यार है. हाउ मच वी लव आवर कंट्री, वी रिस्पेक्ट आवर कंट्री. वी मस्ट स्टैंड अप व्हेन वी हियर इट. जब भी हम कभी इसको सुनते हैं या कभी इसको सिंग करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें खड़ा होना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, ये जो अंडरलाइन हुए हैं वर्ड्स, आपने इनको अपनी बुक्स के ऊपर अंडरलाइन करना है. यू हैव टू अंडरलाइन दीज वर्ड्स एंड ऑल्सो राइट ऑन योर कॉपीज. स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेसन. थैंक यू.